खबर शिवपुरी जिले से है, जहां पर हॉस्पिटल में 75 वर्षीय वृद्ध कल्लू निवासी फाहतेपुर, जिसकी तबियत और पैर की स्थिति खराब होने के कारण वो आज अकेले ही हॉस्पिटल में घूम रहा था। डॉक्टरों को दिखाया तो कोई परिजन साथ नहीं थे। जानकारी मिलने पर पता चला कि वृद्ध के साथ कोई नहीं है, वो अकेला रहता है, मंदिरों में अपना गुजर बसर करता है। वृद्ध की पत्नी का देहांत हो चुका है, उसके बच्चे भी नहीं है। जहां अकेले परेशान हो रहे वृद्ध की जानकारी आनंद विभाग को लगी तो विभाग के अभय कुमार जी मौके पर वृद्ध के पास जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर वृद्ध का हालचाल जाना और जहां अपनी बाइक पर बैठा कर वृद्धाश्रम लेकर आए, जहां वृद्ध को पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। दादा, ये आप बुजुर्गों को यहाँ लेके आए हो, क्या कुछ पूरा मामला? मेरे ऑफिस में राजान संस्थान कार्यालय में पदस्थ हूँ मैं। मेरे पास मोनू नामदेव आए थे और उनका कहना था कि अस्पताल में एक बुजुर्ग हैं, तो मैंने तत्काल अपना घर आश्रम शिवपुरी बात करी और दूसरा मंगलम वृद्धाश्रम, चूंकि वो बुजुर्ग थे और उनके अंदर किसी प्रकार की कोई मानसिक समस्या नहीं थी, उनको केवल पैरों की समस्या थी, पैर उनके सूजे हुए थे। और उनका कहना था मैं फतेहपुर शिवपुरी का निवासी हूँ और उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं, उनके बाल बच्चे नहीं हैं और वो कभी मंदिर पर रहते हैं, कभी किसी स्थान पर मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो जैसे हमने अस्पताल परिसर में उनका पता किया कि उनको वृद्धाश्रम में लेके यहाँ पर आ गए, तो उनको बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छी जगह पर आ गया हूँ, यहाँ पर वो रहेंगे। मजे जी साहब ने बोल दिया है वो उनकी यहाँ पर पूरी व्यवस्था रहेगी, पूरा उनका स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, प्रतिदिन यहाँ पर वो अन्य बुजुर्गों के साथ यहाँ पर रहेंगे।